मैं असली में अध्यापक होने वाला था। अध्यापन के साथ साथ मैं साइड में कविता भी करने लग गया था। मैं कवि सम्मेलनों में जम जाता था। मुझे ये कल्पना नहीं थी कि यही कविता भविष्य में जाकर के मेरे भाग्योदय का कारण बनेगी। मेरा कवि जीवन ज़्यादा नहीं रहा, 5-6 बरस तक मैंने कविता की और उस कविता का प्रभाव ऐसा पड़ा कि आपको शायद आश्चर्य होगा कि 1938 के अंदर, मैं तो 39 में यहाँ आ गया, तो 38 में महाकवि निराला जैसे आदमी ने मेरे बारे में 4 पन्ने का एक आर्टिकल लिख दिया माधुरी के अंदर। वो नवल किशोर प्रेस से निकलता था लखनऊ में 1938। वो लेख अभी भी निराला रचनावली के अंदर वो है। उस लेख का शीर्षक है नवीन कवि प्रदीप। आप यहाँ फिल्म उद्योग में, यहाँ मुंबई में फिल्मों से कैसे जुड़े? अनायास। किसी का लड़का यहाँ बीमार था, उसने कहा मुझे बम्बई जाना पड़ेगा, मेरा लड़का बीमार है, तुम भी मेरे साथ चलो। तो हमने कहा चलो, तो हुआ है यहाँ। तो उस चक्कर के अंदर एक कवि सम्मेलन हुआ छोटा सा, बाई चांस भगवान ने वहाँ एक आदमी ऐसा भेज दिया जो बॉम्बे टॉकीज के अंदर सर्विस करता था। उस आदमी ने जाकर के अपने बॉस से कहा कि साहब एक लड़का आया हुआ है लखनऊ से, यूपी से आया हुआ है, और वो उसने कल कविता सुनाई तो हमको तो बड़ी अच्छी लगी। तो हिमांशु राय जो देवी की रानी के पति थे, उन्होंने कहा कभी अभी जाओ अपनी गाड़ी ले जाओ अपनी कंपनी की और कहीं से भी उसको ढूंढ लाओ, हम भी उसकी कविता सुनेंगे। तो ले गया, मैं चला गया। तो मुझे कहा उन्होंने कि आप कविता लिखते हैं? मैंने कहा कविता तो लिखता हूँ मैं। उन्होंने कहा एक लाइन हमको सुनाओ, तो मैंने सुनाई, तो चौंक गए वो। वो लाइन वो थी कि एक कविता मैंने लिखी थी कि मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो, प्रिय तुम हो। तो मैंने सुनाया उनको। सुनाने के बाद ये नतीजा हुआ कि हिमांशु राय मुझ पर मुग्ध हो गए। 200 रुपीज़ पर मंथ के ऊपर मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। तो मैं तो चौंक गया, क्योंकि उन दिनों तो ये बहुत बड़ी रकम थी। तो मैं रह गया। उन्होंने पहला पिक्चर मुझे कंगन दिया, तो मैंने भगवान का नाम लेकर के कंगन मैंने लिखा। कंगन लिखा तो कुछ मैंने लिखा और कुछ भगवान ने दया कर दी, तो मेरा पिक्चर सिल्वर जुबली हो गया। सिल्वर जुबली हो गया तो मैं तो चिपक गया यहाँ। 1952 में शायद जागृति फिल्म के लिए आपको अनुबंधित किया गया, उसका एक शायद गीत था हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर। हाँ। इसकी कोई प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा देश में से मिली। वो बैकग्राउंड था स्कूल का, तो स्कूल का बैकग्राउंड होने की वजह से हमको उसमें 3 गाने लिखने पड़े देशभक्ति के। एक तो वो दे के भाई ये पिकनिक के ऊपर जाते हैं, तो पिकनिक पर जाते हैं तो पिकनिक तो तरह तरह की होती है, लेकिन हमने पिकनिक को अलग अंदाज से लिया और ट्रेन में बच्चों को बिठा करके और जो टीचर था अभी भट्टाचार्य उससे कहा कि गाना गाओ कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। तो बात कुछ अलग बनी। इसी तरह से एक सिचुएशन प्रोड्यूसर ने कहा कि भाई गांधी जी की जयंती आ रही है तो गांधी जी के बारे में गाने लिखो। तो गांधी जी के बारे में मैंने कहा भाई ये गाना चल रहा है और राजेंद्र कृष्ण ने लिखा हुआ है और वो मोहम्मद रफ़ी ने गाया है, बड़ा पॉपुलर है कि सुनो सुनो है दुनिया वालों बापूजी की अमर कहानी। तो हमने कहा कि अभी लिखना पड़ेगा तो ये नहीं लिखेंगे ही। तो हमने डिफरेंट गाना लिखा कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। अलग टाइप का हुआ। इस तरह से कई अंतरे मैंने लिखे।
एक अंतरा में खास तौर पे सुनाना चाहूँगा, जिसमें राजेंद्र बाबू बैठे हुए थे तो वो उन पर चिपक गया। दूसरे दिन मुझे बुलाया उन्होंने राजभवन में कि वो गाना फिर से सुनाओ मुझे। तो उसमें था कि जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया, प्रेसिडेंट बैठा हुआ है। जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया, तूने वतन की राह पे सब कुछ लुटा दिया। मांगा न कोई तख्त न तो ताज ही लिया, अरे अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो जब मास्टर विदा होने लगता है बच्चों को छोड़ करके कि बच्चों अब हम जा रहे हैं, हमारा तबादला हो गया है, लेकिन हम एक संदेश तुमको देना चाहते हैं, तो पांसे सभी उलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत के भाल के। मंजिल पे आया मुल्क हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। अरे हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे प्यारों संभाल के। बहुत सुंदर। अब आप उसके बारे में बताइए, मेरे वतन के लोगों के बारे में, वो आपने कब लिखा? बहुत बाद की बात है, 1962 में चाइना ने अटैक कर दिया हमको, उन्होंने हमको थप्पड़ मारा, हमको पराजित किया, और अपने आप ही उन्होंने निर्णय कर लिया कि चलो वापस। अब चारों तरफ से आवाज़ ये उठी कि भाई देश जो है उसमें जागृति रहना चाहिए, देश हिम्मत न हार बैठे, इसलिए सबका ध्यान या तो रेडियो पर जाता था या फिल्म वालों पर जाता था। तो वहाँ से आया कि आप लोग कुछ बनाइए, कुछ बनाइए, कुछ बनाइए। तो हमसे भी कहा, तब ये तो फोगटिया काम था, तो फोगटिया काम करने की हमारी आदत नहीं थी, हम बचते फिरे इधर उधर छिपते फिरे, लेकिन आफ्टर ऑल पकड़ में आ गए। अभी उन दिनों दो तीन गाने जो थे वो तो फिक्स थे। एक गाना तो नौशाद भाई ने शकील बजायनी से लिखवा करके, जो बाद में लीडर में आया, कि अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। वो गाना मोहम्मद रफ़ी गाने वाला था, इसलिए मोहम्मद रफ़ी नाम का शानदार गाने वाला आदमी, पुरुष स्वर आदमी की आवाज़, वो नौशाद भाई ने रिजर्व कर ली। अब मुकेश रह गए तो मुकेश को राज कपूर ने रिजर्व कर लिया। हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, वो भी रिजर्व हो गए। तो हमारे पास हमारे पल्ले लता बाई आई। अब लता बाई को हमको जोशीला गाना तो दे नहीं सकते, तो हमने ये कहा कि लता मंगेशकर नाम की सर सम्राज्ञी कहती है कि भाइयों, अभी चंद महीनों पहले अपनी यहाँ एक लड़ाई हुई थी, उसमें हमारे भाई कुछ अपने घरों से, अपनी माताओं से, अपनी बीवियों से, अपनी बहनों से तिलक लगवा करके गए थे देश के लिए कुछ करने के लिए, लेकिन वो वापस नहीं लौटे। क्यों ना हम तुम मिल करके आज उनको याद करें, क्यों ना हम उनको याद करके अश्रु की दो अंजलि उनको प्रदान करें। बस यही बेस था इस गाने का। लेकिन शुरू में हमने पहली दो लाइन लिखी कि ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। लिखने के बाद म्यूजिक डायरेक्टर एक दिन दौड़ा दौड़ा आया, उसने कहा प्रदीप जी अपनी तो पोल खुल गई। मैंने क्या हुआ? तो कुमार दिल्ली से आया है कि हम सुवेनियर निकाल रहे हैं और पहली दो लाइन लिख करके दो।
तो हमने कहा यार ये तो शहीदों का जो टॉपिक है ये ओपन हो गया, ये तो कोई भी आदमी रात को बैठ करके दूसरा राइटर वो लिख देगा शहीदों के बारे में। तो अपन जो डार्क हॉर्स दौड़ाना चाहते हैं इसके अंदर के सब चौंक जाएं, वो चौंकने का जो तत्व है वो खत्म हो जाएगा, तो करो कुछ। हमने कहा करते हैं, अब समय दो, कल सवेरे आना मेरे पास। रात भर मुझे नींद नहीं आई। वो प्रोग्राम होने वाला था लाल किले के अंदर 26 या 27 जनवरी को 1963 को, उसमें प्राइम मिनिस्टर इत्यादि इत्यादि मिनिस्टर फिनिस्टर सब थे, तो हमने उसको चेंज कर दिया क्योंकि दूसरी लाइन में तीसरी लाइन में हमने उसको ओपन किया, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आपने 1939 से आप यहाँ देशभक्ति के गीत आपने गाए हैं, फिल्मों के लिए आपने लिखा है, इसके बाद से जिस तरह से लेखन इस इन फिल्मों में रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए हमने जो कुछ भी लिखा तो वो लोग लिखवाते थे तो लिखा, फिल्में हमको ऐसी मिलती थी कि जिसमें देशभक्ति के गानों का स्कोप था तो हमने लिखा। आज कहानियाँ इस तरह से बनती, इस तरह की बनती हैं कि जिसके अंदर देश वेश से लोगों को कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए नहीं लिखे जाते। पैसा परमात्मा हो गया, कौन देश को पूछता है। आपके पास प्रोड्यूसर लोग अभी भी आते हैं कि आप हमारे लिए कुछ लिखें? नहीं आते, अब नहीं आते, क्योंकि लोगों को तो खटिया के गाने चाहिए, कबूतर के गाने चाहिए, कौवे के गाने चाहिए, हमारे पास क्यों आएंगे। क्या इसका कारण नहीं है कि इस तरह की ही फिल्में अब ज्यादा देखते हैं लोग, मांग ऐसी फिल्मों की है? कारण आपको आपको मालूम नहीं है, गांधी, जवाहरलाल, राजेंद्र बाबू और सुभाष चंद्र बोस, उसका उसके कोई वारसदार हैं आज? वो क्या हुआ इस देश को, कहाँ गए वो लोग, वो भी इसी देश के अंदर पैदा हुए थे, आज क्यों पैदा नहीं होते। तो भविष्य आप क्या देखते हैं? भविष्य जो है वो प्रलय है। आज लोग धीरे धीरे सब लोगों को भूल रहे हैं, बीएन सरकार को भूल गए, आज वो शांताराम को भी धीरे धीरे भूल रहे हैं, प्रभु कोई शांताराम को भी याद नहीं करता, आज गुलाम हैदर को भी भूल रहे हैं, आज आएगा आने वाला आएगा वो खेमचंद प्रकाश को भी लोग भूल रहे हैं, समय जो है बड़ा क्रूर है। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।